पति बापा मंगल। दोस्तों तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे मुंबई का गणपति। आपने थंबनेल देखे आपको पता चल ही गया होगा, निकलेंगे लाल बाग और बहुत फेमस है, मतलब लाल बाग में मुंबई का बहुत बड़ा स्टैचू आता है गणपति का, तो सबसे फेमस वही है, तो निकलेंगे चलेंगे। मगर ऐसे नहीं यार, आप देख रहे हैं बेकार लग रहा है और ये टी शर्ट भी बेकार लग रहा है। आप लोग दो सेकंड रुके, हम अभी चेंज करके आते हैं, फिर मिलेंगे। और एक आज अगर लेट हो गया होगा तो वैसे तो आप देख रहे हैं 4-5 को क्रीम पोता हूँ, मुँह एकदम चकाचक कर रहा होगा। और अभी थोड़ा परफ्यूम लगा लेते हैं, अमित जी थोड़ा परफ्यूम लगाए ना। हाँ, ये भी तैयार रखा था निविया का, आप देख रहे हैं, थोड़ा घसर लेते हैं, अच्छा रहेगा। वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, तो थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा इसके लिए। बाकी और कुछ इंटेंशन नहीं रहता हमारा परफ्यूम लगाने का, हम लगाते भी नहीं सर। परफ्यूम भी लगा के हो गया एकदम, आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक जींस पहन रहे, जूता नहीं पहनेंगे क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, लाइक मतलब गणपति देखने जा रहे हो, तो आई थिंक चप्पल में जाना अच्छा रहेगा। मिलते हैं आपको वहीं पर, चलिए। आज घर से निकलते ही यहाँ पे भी एक आपको दिख जाएगा, एक्चुअली मुंबई में हर गली में रहेगा गणपति बैठा हुआ। अभी टाइम हो रहा है 7 बजा है शाम के, देखते हैं कितना देर में हम लोग वहाँ से आएंगे घूम के। एक जगह हो रहा है गणपति, अब देख सकते हैं बड़ा बड़ा ढोल जा रहा है, एकदम ढमाक ढम बजेगा और मजा आएगा यहाँ पे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं कांदिवली रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से ट्रेन लेंगे, लोकल लेंगे, जो कि मुंबई का पत्नी भी कहा जाता है, मतलब की लाइफ लाइन। तो आते ही ट्रेन भी आ ही गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये महिला बोगी है, इसमें नहीं चढ़ेंगे नहीं तो पेल देगा पुलिस वाले। हाँ, इसमें जाते हैं हम। भीड़ तो देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है, आपको लग रहा है कोई भीड़ है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है देखा जाए तो मुंबई के टाइम टेबल के हिसाब से। तो देखते हैं कहीं पे सीट मिल जाए तो अच्छा है। चल चल चल, हाँ यहाँ पे खाली है, यहीं पे बैठ जाते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहीं पे डेरा जमाते हैं और चलते हैं फिर। दोस्तों देख सकते हैं खतरों को, खिलाड़ी को कैसे अपना खेल दिखा रहे हैं गेट पे खड़ा होकर एकदम। और स्टेशन पे ही मेंशन है लालबाग जाने का रास्ता, देख सकते हैं दोस्तों। क्या बताएं आप लोगों को, एक्चुअली हम लोग रहते हैं कांदिवली जो कि पड़ती है वेस्टर्न लाइन में, और ये जो लालबाग है ये पड़ती है सेंट्रल लाइन, क्योंकि अपने को दादर में करी अदला बदली करनी पड़ी। लेकिन अदला बदली के टाइम में वहाँ पे जो भीड़ देखे ना दोस्तों, क्या बताए, साला मन तो एकदम दही से भी ज़्यादा खट्टा हो गया था, मगर क्या करें, जब आना था तो आ गए हैं, चलिए आगे अब। और ये टैलेंट ना दोस्तों अपने देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करिएगा इस वीडियो को, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज। हाँ तो दोस्तों अभी 8:30 है, देखते हैं कितना देर लगेगा दर्शन में, और 1.5 घंटा तो आने में भी लग गया है। और आप देख सकते हैं भीड़ कितना है, लाइन देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये ऐसा कम से कम 100 रो बनाया गया है इसके, इसको पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा दर्शन में, चलिए। तो गाइस यहाँ पे ऊपर फैन लगाया गया है जो कि आपको गर्मी से राहत दिलाएगी, और उससे भी ज़्यादा राहत ये एडवर्टाइजमेंट वाली दिलाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो देखते हैं, सबर तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे जोक सपाट यार, लेकिन सीरियसली क्राउड काफी ज्यादा है, आपको यहाँ पे आना है तो टाइम को तो आप बिल्कुल भी भूल जाइएगा। दोस्तों क्या मजा आ रहा है, कोई लोग ट्राई करे हो कि ये कोने से निकल जाए ना। तो अभी लग रहा है कि दर्शन हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा ही दूर में है गणपति जी। दोस्तों एक्चुअली पीछे में जो लाइन था वो जस्ट क्राउड मेंशन करने के लिए था, वहाँ पे कुछ नहीं था एक्चुअली, मेन लाइन तो यहाँ पे है जो आपको पीछे दिखेगा अभी, ये देखिए, यहाँ से असली दर्शन होने वाला है गणपति का। देखते हैं कितना देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो क्या बताया, यहाँ पे इतना भीड़ है, अगर उतना मेरा सब्सक्राइबर हो जाए ना तो हम 10 दिन में एक बांद्रा में घर खरीद सकते हैं, सीरियसली। हाँ गणपति बापा मंगल मूर्ति, तो गाइस काफ़ी मेहनत करने के बाद और बहुत सारे टाइम एक्सपेंड करने के बाद फाइनली दर्शन हो ही गए, आप देख सकते हैं लुक देखिए इनका कितना अमेजिंग लग रहा है यार, जैसे आपको मन मुग्ध हो जाएगा आपको देखते ही। ये देखिए कितना विशाल काय स्टेच्यू है लॉर्ड गणेश का, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये एग्जिट रूट है, यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर से ट्रेन लेंगे लोकल से, फिर से जाएंगे रूम पे। और दुनिया के किसी भी समस्या के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं, यहाँ से हमारा घर सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। आपको बता दूँ यहाँ वहाँ पे जाने आने और दर्शन में हमको 4 घंटा लगा है, जिसमें 1.5 घंटा प्रॉपर दर्शन के लिए लगा है और बाकी का ट्रेवलिंग में लग गया है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा बहुत मज़ा आया।
लाल बाग में जो गणपति होती है ना बहुत फेमस होती है, एक्चुअली मुंबई में एक नंबर पे वही होती है, जिसको मराठी में लोग प्यार से लाल बाग का राजा भी बोलते हैं। और अब बाकी आज का ब्लॉग यहाँ तक ही रहेगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अंत में एक ही बात कहूँगा आपको, बप्पा का क्रिया है कि अगर सब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा तो। बाकी इसी तरह हमारा वीडियो देखिए, हंसते रहिए, कुछ मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए।